हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद साइंस एंड टेक वीकली करंट अफेयर्स, जहाँ पे इस हफ्ते कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ आई है तो हम कोशिश करते हैं उसको ए टू जेड आपकी कवरेज थोड़ी करा सकें। इसी सेशन में, आज के हम सेशन में हम कवर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जैसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है 2022। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम साइंस पर्सपेक्टिव, बिकॉज जब हम रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर्स के जब हम डिस्कस करते हैं तो पर्सनल डेटा उस कैटेगरी में आता है। तो देयर आर सम बिल्स जो कि आपको इस कैटेगरी में पढ़ने चाहिए, जैसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो कि साइंस एंड टेक में ही आएगा, या फिर जिनोम एडिटिंग, जिनोम डेटा रखने वाला जो बिल है वो भी आपका साइंस एंड टेक में आता है। सो ये आपके साइंस एंड टेक का रेफरेंस है, एंड दैट्स अ रीज़न आई एम कवरिंग दिस, कि इसमें क्या क्या प्रोविजन्स हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फिर यू एन सी टैड ने भी डेटा लोकलाइजेशन पे कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका भी हम रेफरेंस पढ़ेंगे, तो आज हम ये भी देखेंगे इसमें क्या बातें हुई थी। नेक्सस इंटरनेशनल काउंसल रैनसमवेयर इनिशिएटिव, इसकी मीटिंग हुई थी हाल फिलहाल ही, तो इस मीटिंग के आउटकम क्या थे, कि मीटिंग क्यों हुई थी एंड वाई इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। साथ में हम देखेंगे मालवेयर कोर्स और सिनर्जी एक्सरसाइज क्या है जो कि इंडिया ने कंडक्ट की है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। और इसके साथ हम देखेंगे कि हमारा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर क्या है, विच इज़ फर्स्ट इन इंडिया इस तरीके का जो डेटा सेंटर है वो हमने सेटअप किया है। तो ये क्या है, कैसे सेटअप किया है, किसकी बैकिंग है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम सारा का सारा हम आज इस न्यूज़ में कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले बात करते हैं न्यू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि न्यूज़ में आया है। गवर्नमेंट ने इसका ड्राफ्ट रिलीज़ किया है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, जब तक बिल को पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन पास नहीं करता, किसी भी प्रपोजल को, लॉ को जब तक पास नहीं करता वो बिल रहता है, और जब उस प्रपोजल को पास कर देते हैं बट द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो एक लॉ बन जाता है। सो दिस इज स्टिल नॉट अ लॉ येट अ बिल, दैट मीन्स इसके प्रपोजल, इसके ड्राफ्ट को पब्लिक में रखा गया है ओपिनियन के लिए। तो चलिए लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट कि डेटा प्रोटेक्शन बिल ज़रूरी क्यों है, हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। नाउ 21st सेंचुरी, एक लाइन आपने कहीं देखी होगी, एवरीवेयर यू मस्ट हैव सीन दैट दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। व्हाई? बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में के लिए पेट्रोलियम एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी हो गया, एंड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल मेड इट पॉसिबल कि हम एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स बना सकें जो कि फास्टर स्पीड से बन सकें। ऐसा ही कुछ हमने डेटा इस न्यू ऑयल है जो कि नई इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। क्यों? बिकॉज यू डोंट रियलाइज बट एवरी डे इंट्रैक्शन में जब आप अपनी डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं, आप बहुत सारा पर्सनल डेटा जनरेट करते हैं अपनी चॉइसिस के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में। कोई आपने वेबसाइट खोली, उसने आपकी आईडी मांगी, डेट ऑफ बर्थ मांगी, आपकी एज मांगी, आपका नाम मांगा, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे दी। साथ में आप सर्च कर रहे हैं बाद में अमेजोन पे बैठ के कि आई लाइक दिस काइंड ऑफ सूट, मुझे ये वाली घड़ी चाहिए, मुझे ये वाली कार चाहिए, उसने उससे आपकी प्रोफाइलिंग क्रिएट हो जाती है। नाउ विद दिस सॉर्ट ऑफ इंट्रैक्शन, जहाँ पे ये जो डिजिटल डिवाइसेस आपके पास होती हैं, डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू आप पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे पहुंचाते हैं, और ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जब बड़ी टेक कंपनीज के पास जाती हैं, इनके ऊपर ह्यूज डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम बिग डेटा कहते हैं, कि अनप्रोसेस इज यूजलेस बट बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू इस पूरे डेटा को प्रोसेस करके आपकी जो पर्सनल चॉइसेस है वो सोसाइटी के बारे में रिफ्लेक्ट करने लगती है कि ओ दीज डेज टीनेजर्स हुडी पहनते हैं, या फिर अगर आपकी व्हीकल का डेटा, आपने GPS ऑन किया, आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, कितनी देर ट्रैफिक में खड़े थे, आपका डेटा कोई ट्रैवलिंग कंपनी यूज कर सकते ये जानने के लिए कि ये रूट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। सो दिस इज लीडिंग टू ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। Amazon आपका डेटा यूज करता है टारगेटिंग मार्केटिंग के लिए। एक बार आपने घड़ी ढूंढी एंड मे बी यू चेंज योर माइंड, बट नेक्स्ट टाइम
अमेजोन कम से कम हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन दिखाता है कि इसकी घड़ी देखो, राडो की घड़ी लो, ठीक है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपकी रेंज भी पता कर लेगा कि आपने कौन सी ढूंढी थी, टाइटन की 2000 की, तो 2000 के ऑप्शन में घड़ी दिखाने लगेगा। दिस बिजनेस जहां के आपका डेटा को यूज करके कि नया बिजनेस रन कर रहा है, दिस मेड डेटा इंपॉर्टेंट। नाउ द सैड एस्पेक्ट ऑफ दिस, आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिसे बड़ी कंपनी अपना बिजनेस चला रही है बिलियंस में, पर आप पे नहीं होते, नोबडी इज पेइंग यू फॉर योर डेटा। और इस यही से बात शुरू होती है, इवन सिविल एक्टिविस्ट टॉक्ड अबाउट कि पहली बात, कंपनीज आर अर्निंग ह्यूज, कंपनी बहुत अर्न कर रही है बट लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, व्हाई सो? सो कंपनीज आर रिच यूजिंग योर डेटा बट यू आर पुअर इवन डिस्पाइट गिविंग योर डेटा, नॉट ओनली योर डेटा, योर प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वेल। अब आप मुझे बोलोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे? आपके डेटा को यूज की स्टेट भी सर्वेलेंस स्टेट हो सकती है, जैसे मे बी फॉर पर से आई एम नॉट गोइंग टू टेक इंडियन एग्जाम्पल क्योंकि आप मुझे किसी कैटेगरी में डाल के टारगेट करें, लेट मी टेक अ इंटरनेशनल एग्जाम्पल कि मे बी यू आर इन चाइना एंड मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट और इंटरनेट पे ढूंढने लगे कि कैसे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं दिस डेटा, गवर्नमेंट अगर देख रही है इस पर्सनल डेटा को तो वो इमिडिएटली आपको टारगेट कर सकती है। सो विद दिस सॉर्ट ऑफ थिंग जहाँ पे आपकी पर्सनल थॉट आपकी पर्सनल नहीं रह पाती, स्टेट कैन यूज इट फॉर स्टेट सर्विलांस, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व कर सकती है। आप ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्यों व्हाट्सएप को यूज करोगे ना प्रोटेस्ट करने के लिए, भी अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं तो एयर करोगे, अपने तक रखने से तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। सो इसकी वजह से जो डेटा प्राइवेसी नहीं होती, आपका डेटा आपका नहीं होता बट स्टेट भी उसको यूज कर सकती है आपके फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हर्ट होते हैं। फिर बिकॉज द डेटा इज नॉट सेफ, आपने घर में इंटीमेट पिक्चर्स ली या बच्चों की फोटोज हैं या फिर आपके प्राइवेट मूवमेंट्स हैं, कोई उनको भी कैप्चर कर सकता है बिकॉज डेटा प्राइवेसी नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी डेटा प्राइवेसी चाहिए। ऑल्सो द फैक्ट कि पुट्टू स्वामी जजमेंट कह चुका है कि प्राइवेसी इज नाउ अ फंडामेंटल राइट, प्राइवेसी या निजता भी एक आपका मूलभूत अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। सो ये जो आपके डेटा प्रोटेक्शन ना होना आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। साथ में इंटरनेशनली मेनी कंट्रीज, बहुत सारी जो नेशंस हैं उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज करके उस पर लॉ बना चुके हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस बहुत फेमस है पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन के लिए। इनफैक्ट ये हमारे ट्रेड को इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज इंडिया से डेटा फ्री फ्लो नहीं होने देती क्योंकि वो इंडिया को डेटा सिक्योर स्टेटस नहीं मानती, कि इनके पास रेगुलेशन ही नहीं है, इनके पास रेगुलेशन नहीं, डेटा सिक्योर नहीं है, तो हम इनको डेटा देंगे तो हमारा डेटा भी सिक्योर नहीं होगा, और जिसके ऐसे हमारी काफ़ी आईटी कंट्रीज और कंज्यूमर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज इंपैक्ट होती है। लास्टली देर इज अ लीगल इनएडिक्वेसी, हमारा जो डेटा है वो नया बिजनेस आइडिया बन चुका है, हमारी फ्रीडम के कर्व होने की वजह हो चुकी है, बट इसके प्रिवेंट करने के लिए कोई भी एडिक्वेट लेजिस्लेशन हमारे पास नहीं है, टू द एक्सटेंट इवन जो आईटी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी इसमें इनएडिक्वेट हो जाते हैं, एंड दैट्स वी नीड न्यू रेगुलेशन। तो चलिए ठीक है, बीएनसी कृष्णा कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दे दी, बनाई गई थी मीटी ने बनाया था इसको टू प्रमोट द डेटा प्रोटेक्शन, जब हमें हाईलाइट किया गया है तो हम इस लेजिस्लेशन के साथ आए। 2019 में हम बिल भी लेकर आए बट उसको वापस विथड्रॉ कर लिया बिकॉज ऑफ सेवरल इशू। बट बिफोर वी टॉक अबाउट डेटा प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए, नो डाउट इट शुड भी होना चाहिए, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इसके फीचर्स कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर एक 7 प्रिंसिपल थ्योरी आपके यूरोपियन यूनियन ने दे रखी है, 7 प्रिंसिपल थ्योरी कि जो डेटा जो प्रोटेक्टिंग रेगुलेशंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए। नाउ इन दिस सबसे पहला जो प्राइमरी प्रिंसिपल है कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ फॉलो करे इज दैट द प्रोटेक्ट, जो आपका लॉ इसके लिए बन रहा है इसमें जो डेटा कलेक्ट अलाउ किया जा रहा है कि कौन सा डेटा पर्सनल डेटा पे इकट्ठा कर रहे हो, दैट प्रोसेस शुड बी फेयर, लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट।
जिस तरीके से आप सिटीजन का पर्सनल डेटा इस्तेमाल कर रहे हो, उसे ले रहे हो, वो प्रोसेस फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड लॉफुल होना चाहिए। इसका मतलब इलीगल तरीके से एक्सट्रॉट नहीं कर सकते कि किसी को धमकी दे रहे हो कि बताओ अपना आधार कार्ड एड्रेस दो मुझे। नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। ऐसा नहीं कि गरीबों से ही आधार कार्ड की डिमांड है, अमीरों से बोला ठीक है आप जा सकते हो। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एक सिटीजन को पता होना चाहिए कि उसका पर्सनल डेटा किस लिए इकट्ठा किया जा रहा है। दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल इज पर्पस लिमिटेशन। इसका मतलब अगर किसी का पर्सनल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है तो उस पर्पस के लिए जितना डेटा चाहिए सिर्फ उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब अगर उंगली दी है तो हाथ नहीं पकड़ना। अगर कुरियर डिलीवर करना है, नंबर और एड्रेस चाहिए तो इतना काफी है। उसके साथ ये नहीं पूछोगे कि आपका कद कितना है, काठी कितना है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि आप ही को दे रहे हैं या नहीं, मोल है या नहीं है, बाल कितने लंबे हैं। नो, एड्रेस एंड नंबर इज इनफ। आपको फोन करेंगे, वी कैन आइडेंटिफाई आप ही हो। तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए सिर्फ जितना डेटा चाहिए उतना ही देना है। तीसरा, डेटा मिनिमाइजेशन। ये एक जैसे ही है पर्पस लिमिटेशन कि सॉरी, दिस इज डेटा मिनिमाइजेशन। जितना चाहिए सिर्फ उतना ही लेना। सिर्फ उतना। नाउ व्हाट इज पर्पस लिमिटेशन? अगर किसी पर्पस के लिए बोल के आपने डेटा लिया है तो सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और के लिए किया तो वो अनलॉफुल होगा। जैसे आपने किसी का नंबर लिया या किसी की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ली क्योंकि बैंक को कोई काम था, या फिर मे बी डिलीवरी वालों को कोई काम था, लेकिन जब वही डेटा आप क्रेडिट कार्ड कंपनीज को दे देते हो कस्टमर से बिना पूछे, या फिर किसी और को दे दोगे कि देखो इसके अकाउंट में बहुत पैसे हैं, इसको एडवर्टाइजमेंट करो। नाउ दैट इज अनलॉफुल। आपको डेटा सिर्फ बैंक की सर्विसेज के लिए सिटीजन ने नहीं, बैंक की सर्विसेज के लिए दिया था सिटीजन ने। अपना एड्रेस, अपने बैंक अकाउंट डिटेल, वो डिटेल आप किसी और को डाइवर्ज नहीं कर सकते। इस तरीके की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। पर्पस लिमिटेशन, सिर्फ जिस पर्पस के लिए आपने डेटा लिया सिर्फ उसी के लिए, उसके बाद उसको कहीं और इस्तेमाल नहीं करना। प्रोसेसिंग नहीं करना कि सबका डेटा इकट्ठा कर लो कि यहां देखो इस लोकेशन में ज्यादा रिच लोग रहते हैं। स्टोरेज एंड देन इज पर्पस लिमिटेशन जैसा ही है। फिफ्थ प्रिंसिपल स्टोरेज लिमिटेशन, कि अगर एक बार पर्पस खत्म हो गया तो डेटा शुड बी डिलीटेड और एलिमिनेटेड। उसको लॉन्ग टर्म प्रिजर्व मत करो कि बाद में कभी इसके अगेंस्ट या इसके लिए यूज कर सकते हैं। नो, स्टोर पर्पस डन, स्टोरेज भी खत्म होनी चाहिए। साथ में डेटा एक्यूरेसी, अगर किसी सिटीजन का डेटा इकट्ठा किया है किसी भी वजह से, हाइट कितनी है या पर्सनल रिकॉर्ड कैसा रहा है, वो एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसे नहीं इनएक्यूरेट डेटा इकट्ठा कर रखा है कि एज गलत है या कुछ और जैसा मदर, सो दैट लाइक उसको बाद में मैनिपुलेशन है, मिस यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इंटेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे। साथ में इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। इंटेग्रिटी, इसका एक्चुअली शॉर्ट मतलब होता है ग्रीवेंस रीएड्रेसल। आपने जो पांचों प्रिंसिपल हैं ये सब तभी फॉलो होंगे जब ग्रीवेंस रीएड्रेसल हो। कि आपने बोल तो दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो सिटीजन कहाँ जाके कंप्लेन करेगा? सो दे हैज टू बी एक ऐसा ग्रीवेंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी जिसको यूज करके एक सिटीजन अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ डेटा या इलीगल यूज के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। एक ऐसा मैकेनिज्म हो जहां पे अगर ये सब फॉलो नहीं हो रहे, इनका अगर ढंग से फॉलो नहीं हो रहे तो इनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सके। लास्ट में डेटा अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों एक जैसे प्रिंसिपल है। नाउ व्हाट इज डेटा अकाउंटेबिलिटी? नाउ डेटा अकाउंटेबिलिटी सिंपली स्टेट दैट कि जिस इंसान ने डेटा इकट्ठा किया है किसी और के या किसी कंपनी ने, कि दिस वॉज एक्स पर्सन जिसका डेटा कंपनी एमेजॉन ने लिया, ना दे शुड ऑल्सो भी अकाउंटेबल, ये भी अकाउंटेबल होने चाहिए।
कि ना तो सिर्फ ऐसा हो कि सिटीजन जाके कंप्लेन कर सके गवर्नमेंट को कि देखो इन लोगों ने मेरा डेटा का मिसयूज किया, गवर्नमेंट भी इनके अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर पाए। इसे कहते हैं डेटा अकाउंटेबिलिटी। इन सात प्रिंसिपल पे कहते हैं कि कोई भी अगर डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनता है तो वो इफेक्टिव होता है। तो चलिए अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल लेट्स जज डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2022। ठीक है, तो 2022 लेजिस्लेशन चेक करते हैं कि कितना खरा उतरता है उस पे। अच्छा, डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन ने लॉ बनाने से पहले, राइट डिफाइन करने से पहले क्या किया है, कुछ टर्म्स हैं जिनको डिफाइन कर रखा है। जैसे सबसे पहला, इनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रिक्वेंटली मैं इनको यूज़ करूँगी। जैसे सबसे पहले डेटा प्रिंसिपल, कि डेटा प्रिंसिपल कौन होता है। डेटा प्रिंसिपल वो इंसान है जिसका पर्सनल डेटा यूज हो रहा है या जो अपना पर्सनल डेटा मतलब जनरेट कर रहा है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। लाइक आज मैंने फोन निकाला, इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया, या फिर आज शाम को आप जाएंगे और फेसबुक चलाएंगे। और मे बी आज की जनरेशन फेसबुक कम चलाती है, सो आई डोंट नो। सो डेटा प्रिंसिपल वो इंसान जो कि डेटा जनरेट कर रहा है। नाउ द न्यू थिंग इन लॉ इज, इस बार डेटा प्रिंसिपल डिफाइन करने से पहले चिल्ड्रन को भी कंसिडर किया गया है कि अगर इफ इन केस अ चिल्ड्रन, कोई अगर बच्चा फोन यूज करके अपने पर्सनल डेटा को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालता है, ऐसे केस में डेटा प्रिंसिपल उसके गार्जियन या उसके पेरेंट्स होंगे। और चिल्ड्रन कैसे डिफाइन किया है, लाइक लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जो पेरेंट्स क्या हो जाएंगे ऐसे केस में, इसके गार्जियंस या गार्जियंस जो होंगे डेटा प्रिंसिपल होंगे। तो डेटा प्रिंसिपल जिसका डेटा जनरेट हो रहा है। फिर डेटा फिड्यूशरी, डेटा फिड्यूशरी वो एंटिटी है जो कि डेटा यूज कर रही है, डेटा प्रोसेस कर रही है, उसके मीन्स को डिफाइन कर रही है कि इसलिए हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसको डेटा फिड्यूशरी कहते हैं। कोई भी एंटिटी हो सकती है, कि या तो कोई और इंडिविजुअल हो या राइट ना, आप अपना पर्सनल डेटा अपने किसी रिलेटिव को भी भेज सकते हो, या फिर कोई फर्म या स्टैब्लिश कंपनी हो, छोटी फर्म या बड़ी कंपनी, और गवर्नमेंट भी हो सकती है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। सो दीज आर डेटा फिड्यूशरी। क्यों, सरकार को पर्सनल डेटा नहीं देते, आधार में नहीं देकर आए कितना पर्सनल डेटा देकर आए हैं। तो यू डू गिव पर्सनल डेटा टू गवर्नमेंट मोस्टली। एंड देन इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर। जब कोई भी डेटा फिड्यूशरी डेटा प्रिंसिपल के डेटा को, डेटा फिड्यूशरी जो इकट्ठा कर रही है, डेटा प्रिंसिपल जिसका डेटा है, जब कोई डेटा फिड्यूशरी डेटा प्रिंसिपल के डेटा को बाहर भेजता है, मतलब किसी और कंट्री में, जिसको कहते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, तो दिस ये उसके बारे में भी डिस्कस करती है कि अगर कोई डेटा फिड्यूशरी अगर किसी बाहर की कंट्री को तभी डेटा ट्रांसफर कर सकता है जब जो बाहर की कंट्री के पास खुद डेटा प्रोटेक्शन लॉज हो या इनफ डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन हो तभी भेज सकता है। तो इंडियन कंपनीज किसी बाहर की कंट्री में तभी अपना डेटा भेज सकती हैं, जैसे जब बाहर की कंट्री जिसमें भेज रहे हैं वहां भी डेटा प्राइवेसी हो, जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ करती है, हमें डेटा नहीं देती। क्यों, कहती है कि आपके पास डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नहीं है। तो हमने भी क्विड प्रो को किया, तो हमने एक और क्लॉज डाला है, हमने बोला डेटा फिड्यूशरी सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को डेटा ट्रांसफर करेंगी या तो जिनके पास डेटा प्रोटेक्शन हो, दूसरा या जिनसे इंडियन गवर्नमेंट डेटा लेती है। तो अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट को मना कर देगा तो इंडियन गवर्नमेंट भी मना कर देगी। क्या बोल के बोलते, हमारा डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन डज नॉट अलाउ, सो हेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लेइंग क्विड प्रो क्रो, आप करो हम करेंगे। समझ में आया, सो गवर्नमेंट हैज वेरी नाइसली पेड विद द यूरोपियन यूनियन एज वेल। साथ में गवर्नमेंट ने सिर्फ डेटा फिड्यूशरी नहीं एक्सप्लेन किए, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी भी एक्सप्लेन किया। एक अलग टर्म है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट या इनफ या हायर इन नंबर, नंबर में जो बड़े होते हैं,
सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी वो फिड्यूशरी हैं जो कि ज़्यादा बड़ी अमाउंट में डेटा इकट्ठा करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइंस जियो। ये जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी है, इनके केस में मैंडेटरी किया गया है कि ये एक तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे, जिनके अगेन जिन जहाँ पे जाके जो सिटीजन है वो कंप्लेन कर सकते हैं कि देखो फेसबुक ने मेरा पर्सनल डेटा लिया जबकि मैंने मना किया था। एक डेटा ऑडिटर, जहाँ पे कंपनी अंदर ही अंदर ऑडिटिंग करेगी कि ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी लोगों का पर्सनल डेटा रेगुलेशंस को फॉलो किए बिना ले रही है। समझ में आया? तो दीज आर सर्टेन थिंग जो कि एक कंपनी को ध्यान में रखनी है। तो ये पहला टर्म्स जो कि लॉ ने डिफाइन की है, डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरी, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, क्या रेगुलेशंस फॉलो होंगी उसमें और क्या इनको करना है। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं हमारे बारे में, हम जैसे लोगों के बारे में जो कि इंस्टाग्राम के थोड़े से आदि हैं, फेसबुक के थोड़े आदि हैं, उनके लिए क्या है। उनके लिए सरकार ने कुछ हक दिए हैं, कुछ राइट्स दिए हैं। क्या राइट्स ये हैं? उनको पहला राइट दे हैव गिवन इज राइट टू कॉन्सेंट, कि इन केस आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक आपका डेटा लेना चाहती है, देन बिफोर दैट उन्हें आपसे कंसेंट लेनी पड़ेगी कि हाँ मैं अपना पर्सनल डेटा देने को तैयार हूं। और ये जो कंसेंट है इसमें क्या क्या होगा? इस कंसेंट में कंसेंट एक तो ये होगी हाँ Yes, I want to give my data. दूसरा ये what kind of data? तीसरा ये जो information data fiduciary data principal को दे रहा है कि हम कौन सा data आपका ले रहे हैं, ये एक simple language में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि complicated language use करो कि समझ में ही नहीं आए कि आपका personal data use करें नहीं। इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज जो कि स्केड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखी है। टफ हाँ। साथ में विड्रॉ, इसमें नॉट जस्ट टू गिव कंसेंट, दे कैन इवन विड्रॉ कंसेंट। अगर आज मैं इंस्टाग्राम यूज कर रही हूं और मुझे रियलाइज होता है, या फिर लेट्स टेक मोर थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट्सएप प्राइवेसी के नाम पे बहुत बदनाम सॉफ्टवेयर है। आज मैं व्हाट्सएप यूज कर रही हूं और मुझे रियलाइज होता है कि व्हाट्सएप एक सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अब मैं चाहती हूं कि व्हाट्सएप मेरा डेटा ना यूज करे, तो मुझे यह हक होना चाहिए कि जो कंसेंट मैंने पहले दे रखी है उसको मैं विड्रॉ कर सकूं। तो राइट टू विड्रॉ कंसेंट भी है कि मैं अपनी कंसेंट को वापस ले सकूं। तीसरा राइट टू इरेज और करेक्ट, ये नया है, ये पहले नहीं था। राइट टू इरेज और करेक्ट इसका मतलब है कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट टू फॉरगॉटन प्रोवाइड कर रही है कि आपका कोई ऐसा पर्सनल डेटा है जो कि मे बी आपके लिए ह्यूमिलेटिंग है, या फिर आप याद नहीं करना चाहते उन मेमोरीज को, या जो भी वजह है, यू हैव राइट टू आस्क एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म कि आपका वो कंटेंट हटा दें, इरेज कर दें, या फिर उसे करेक्ट कर दें अगर आपको लगता है कि डेटा गलत डाल रखा है। तो So this is third, erase or correct. Next, जिसको कहते हैं postmortem right. Postmortem, that in case you die, कि आप अगर गुजर जाते हैं लेकिन आपका personal data public platform पे available है, then what will you do in such case? तो इसमें बोला गया है कि अगर आप गुजर जाते हैं, या फिर अगर आप इनकैपेसिटेट, मतलब आपकी कैपेसिटी ऐसे ही नहीं है कि आप डिसीजन ले पाए, कोई मेंटल इलनेस हो, या फिर यू आर इन कोई वेजिटेटिव स्टेट हो, कोमा में हो, ऐसे केस में आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे वो फैसला ले सके। ठीक है, तो ये था हमने पोस्टमार्टम आपका जो लॉ दे रखे हैं। नेक्स्ट इज आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, तो ये थे हमने जो राइट्स जो इंडिविजुअल को मिल रखे डेटा प्रोटेक्शन लॉ में। अब बात करते हैं देयर अदर प्रोविजंस एज वेल। इसमें खास बात यह है कि ये जो आपका बिल है ये डिजिटल डेटा को डिफाइन भी करता है,
पर्सनल डेटा को तो डिफाइन करता ही है कि पर्सनल डेटा वो डेटा है जिसे आप किसी इंसान को आइडेंटिफाई कर सको, चाहे पूरा नाम हो, चाहे कद काठी फिजिकल फीचर डिस्क्राइब किए हों या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किए हों जिसे आप पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको पर्सनल डेटा कहते हैं। अब डिजिटल डेटा क्या है? वो डेटा जो कि आप डिजिटल डिवाइस पे जनरेट करते हैं, रखते हैं, उसको डिजिटल डेटा कहा गया है। एक चीज यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डेटा को डिजिटल डेटा माना गया है। कि मे बी आपने इंटरनेट नहीं ज्वाइन कर रखा या इंटरनेट आपका ऑफ है, लेकिन तो भी आपका डेटा किसी डिजिटल डिवाइस पे है, फोन पे है, तो वो आपका डिजिटल डेटा माना जाएगा। ठीक है, एक चीज। लेकिन यहाँ पे आपका जो मैनुअल डेटा है वो इसमें नहीं आता, वो इसमें कवर नहीं होता। दैट यू शुड कीप इन माइंड। नेक्स्ट आपका इसमें बात करता है कि रेगुलेटरी आपको पूरा इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि ये जो लेजिस्लेशन है प्रॉपरली फॉलो करें। इसका जो काम दिया गया है वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को दिया गया है कि इन केस डेटा फिड्यूशरी वायलेट करता है, वो लॉस को फॉलो नहीं करता और डेटा प्रिंसिपल जाके कंप्लेन करता है पर डेटा फिड्यूशरी इस पर एक्शन नहीं लेता, ना तो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एक्शन लेता है, ना डेटा ऑडिटर, जो कि डेटा फिड्यूशरी का काम था डेटा प्रिंसिपल को बचाने के लिए। तो अगर यहां ग्रीवेंस नहीं मिलता तो ये जो है वो सीधा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जा सकता है, वो इसको ग्रीवेंस देगा, ग्रीवेंस रीएड्रेसल। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर मैं पहली बात कर चुकी हूं कि हाँ हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और कंट्री को, डेटा फिड्यूशरी भेज सकता है एज लॉन्ग एज उस कंट्री के पास भी डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस हैं और अदरवाइज हमें डेटा भेजता है। साथ में क्या फायदा लॉ बनाने का अगर पेनल्टी ना हो? आप लॉ बना दो कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, बच्चे ऐसा नहीं करते, वो करेंगे जब तक पनिशमेंट नहीं होगी, एंड दैट्स व्हाई देयर इज पेनल्टीज। पेनल्टीज दोनों के लिए जो भी उसको वायलेट करेगा, जैसे डेटा फिड्यूशरी के लिए पेनल्टीज हैं अगर वो डेटा अगर इस लॉ को ब्रीच करते हैं, उस लॉ को तोड़ते हैं, ये जो पिछली बार से बहुत ज़्यादा है, जैसे पिछली बार या तो 15 करोड़ थी और 4% ऑफ एनुअल टर्नओवर इतना उनको कंपनसेशन देना था अगर वो ब्रीच करते हैं। इस बार ये बढ़ा के आपका कम से कम 5 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक पहुंचा दिया है। अब वॉलेट करो जिसमें आता है दोनों चीजें, या तो आप खुद वॉयलेट कर रहे हो या पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट इकट्ठा कर रहे हो या उसको प्रोसेस कर रहे हो या सिटीजन को राइट नहीं दे रहे, और अदरवाइज किसी थर्ड पार्टी ने वॉयलेट किया और आपने सिटीजन को या गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया तो भी फाइन लगेगा कि आपने बात छुपाने के लिए होने दिया। जैसे फेसबुक ने नहीं वो एक्सक्यूज दिया था, इट वॉज थर्ड पार्टी, वी डिडंट नो अबाउट इट। नाउ डेटा प्रोटेक्शन बिल स्ट्रेट सेज दैट कि देखिए अगर आपका प्लेटफॉर्म था, आपने लोगों का पर्सनल डेटा इकट्ठा किया और किसी वाई कंपनी ने आपका डेटा मिसयूज किया एंड यू डिड नॉट इन्फॉर्म गवर्नमेंट और प्रिंसिपल, देन यू आर लाइबल। आपने ना तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया ना उसको, तो आप लाइबल हो, तो खुद ब्रीच करोगे तो भी, होने दिया तो भी ना। इसमें एक अलग चीज ये है कि इस बार डेटा प्रिंसिपल भी के ऊपर भी पेनल्टीज हैं 10,000 तक अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दो तो, या फिर अगर इनमें फॉल्स कंप्लेन फाइल की है डेटा फिड्यूशरी के अगेंस्ट बदनाम करने के लिए जिस भी वजह से, तो भी पनिशमेंट है। तो ये कुछ प्रोविजन थे। इस प्रोविजन के साथ गवर्नमेंट एग्जम्पशंस भी लेकर आई है। दिस आई एम राइटिंग सो दैट आई डू नॉट फॉरगेट टू डिस्कस इट विद यू, मैं डिस्कस करना भूल ना जाऊं। एग्जम्पशंस, गवर्नमेंट एग्जम्पशन दो लेवल पे लाई है, एक तो बिजनेसमैन के लिए, एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, एग्जम्पशंस क्या है?
दो ये सारे जो लॉस हैं वो फॉलो करने हैं, बट गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को ध्यान में रखते हुए थोड़े एग्जम्पशंस लाए हैं, बिकॉज पिछली बार जो बिल आया था 2019 का, उसमें स्टार्टअप्स ने कंप्लेन की थी कि इसको फॉलो करने के लिए कंप्लाइंस जो मैकेनिज्म है वो बहुत टीडियस है, हमारा बहुत पैसा और टाइम खर्च होगा, हम एक स्टार्टअप हैं, हमें ये चीज़ें कंजर्व करनी होती हैं। गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, स्टार्टअप को प्रमोट करना हमारा मोटिव है, बिजनेस बना बाद में अकाउंटेबल होल्ड कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ एग्जम्पशंस दिए हैं स्पेशली बिजनेसमैन, जहाँ पे वो ध्यान रखेंगे कि नंबर एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा कितना है, ये स्टार्टअप की कैटेगरी में आता नहीं आता, तो थोड़ा कंपनसेशन है। गवर्नमेंट ने फिर अपने लिए भी रखी है कि इनकेस गवर्नमेंट को चाहिए कोई कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है और किसी का पर्सनल डेटा हेल्प कर सकता है पर्सन को आइडेंटिफाई करने में, विक्टिम को रिलीज करने में, या फिर किसी को कन्विक्ट करने में, देन गवर्नमेंट कैन बी एग्जम्प्टेड। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि दे आर सर्टेन एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लाइक सीबीआई वगैरह, जो कि इसके एम्बिट से बाहर हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने रीजन बोला पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, स्पेशली अगर बाय द वे रेडिकलाइजेशन मोस्टली पर्सनल प्लेटफॉर्म से होता है, सो दैट्स द रीजन गवर्नमेंट हैज एग्जम्पशंस दिए हैं। तो चलिए हमने पहली बात देख लिया क्या लॉ है, अब देखेंगे क्या ये सही लॉ है, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल्स भी हैं और हमने देख भी लिया कि प्रोविजंस कैसे हैं, तो क्या ये जो लॉ है उन प्रिंसिपल्स पे खरा उतर रहा है या नहीं, वो हम अब चेक करेंगे। सबसे पहले जो बिगेस्ट जो कंसर्न लोगों ने शो किया है कि दिस इज अ वेरी वेग लेजिस्लेशन इन टर्म्स ऑफ, इतनी एग्जम्पशंस दिए हैं, मल्टीपल एग्जम्पशंस आ दिए कि ऐसा लगता है कि लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ही नहीं है। सो पहली बात मल्टीपल एग्जम्पशंस है, दूसरी बात ये जो मल्टीपल एग्जम्पशंस हैं इनकी जो रीजन है बहुत वेग है, डिफाइन नहीं, उनको मिसयूज किया जा सकता है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ना यूजली जो एजेंसीज इसमें शामिल होती हैं जैसे पुलिस वगैरह, दे आर नोन टू समटाइम मिस यूज इट, दे कैन बी मिस यूज फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पर्पज। ना वो जो अथॉरिटीज में शामिल होती है पोलिटिकल अथॉरिटी जैसे सीबीआई, वो उसको पोलिटिकल पर्पज के लिए यूज करती है, आपने देखा है। एग्जम्पशन फॉर द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन सबसे ज्यादा वायलेट करते हैं, तो इन ऑर्डर टू प्रमोट बिजनेस कैन बी प्रमोट अनएथिकल प्रैक्टिसेस एज वेल, तो दैट इज अ बिगर कंसर्न। इतने एग्जम्पशन है कि सिटीजन की फेवर में है या नहीं, इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। देन देर इज लोग लाइक मैंने कहा था ना कि आई विल डिस्कस यूएन सीटैट ने डेटा लोकलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया, वहीं पर हमने डेटा लोकलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को कम कर दिया। जब ओसाका अकॉर्ड हुआ था G20 वगैरह मेंबर्स का, जापान ने ओसाका अकॉर्ड में बोला था कि डेटा लोकलाइजेशन पे ध्यान मत दो, ट्रांसफर ऑफ डेटा पे ध्यान दो, कि सीमलेस ट्रांसफर होना चाहिए। तो हमने बोला नहीं, डेटा लोकलाइजेशन इंपॉर्टेंट है एंड राइटली इंपॉर्टेंट है। जब इंडिया का डेटा बाहर चला जाता है, इंडिया उसी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता, इंडिया की सोवनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है कि हमें अपना डेटा बाहर चले जाता है और वहां प्रोसेस होता है, इट कैन बी यूज इवन अगेंस्ट अस। तो डेटा लोकलाइजेशन जरूरी है सोवरेनिटी के लिए, फॉर कंट्रोल ओवर आर ओन डेटा। तो हम ओसाका अकॉर्ड से भी बाहर हो गए जब वो डेटा लोकलाइजेशन के अगेंस्ट था, नाउ वी हैव एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। तीसरा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंक्रीजिंग वो है लाइक वो एक्यूजेशंस हैं कि द इसमें गवर्नमेंट को एक डिसप्रपोर्शनेट पावर दे रखी है, डिसप्रपोर्शनेट, एंड यू विल सी दैट डिसप्रपोर्शनेट पावर है। कैसे? पहली बात, गवर्नमेंट ने जो 22 क्लॉज दिए हैं जिसमें वो डिफाइन करे कि कैसा डेटा होना चाहिए, कैसा नहीं, क्या पनिशमेंट होगी, 22 में से 16 क्लॉज वो डिफाइन करी सेंट्रल गवर्नमेंट,
जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट बिगेस्ट डेटा फिड्यूशरी है, मिलियंस ऑफ पीपल्स का डेटा प्रोसेस करती है, आप सबका आधा डेटा सरकार के पास है। तो यहां पे क्या होता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फेयरनेस जो पहला प्रिंसिपल था वही इंपैक्ट हो जाता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट खुद रेगुलेशन डिफाइन करेगी जबकि सबसे बड़ी डेटा फिड्यूशरी है। आप देखोगे यहां पे भी जब नेशनल सिक्योरिटी इनको जब यहां पे अधिकार मिला है तो कोई जुडिशियल ओवरसाइट भी नहीं है कि किस केस में आप डेटा ले सकते हो या फिर इसको वायलेट कर सकते हो, जुडिशियल ओवरसाइट इज नॉट देयर। गवर्नमेंट को इतने एग्जाम्पशंस भी हैं, किसी और डेटा फिड्यूशरी को नहीं है, बट गवर्नमेंट हैज गॉट मल्टीपल, गवर्नमेंट के पास मल्टीपल एग्जाम्पशंस है विदाउट जुडिशियल ओवरसाइट, दैट इज अ कंसर्न। गवर्नमेंट खुद डेटा प्रोटेक्शन बिल के लोगों को नॉमिनेट कर रही है जो कि ऑफकोर्स एट द एंड गवर्नमेंट के फेवर में बोलेंगे, जो आपके ओवरऑल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, अगर उसके नॉमिन अगर उसके मेंबर ही आपके नॉमिनी है, ऑफकोर्स दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो सरकार के अगेंस्ट नहीं काम करेंगे। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इम्पार्शियलिटी है। नेक्स्ट, सिटीजन्स का भी बहुत ग्रीवेंस है कि डेटा पोर्टेबिलिटी नहीं है। डेटा पोर्टेबिलिटी क्या होता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एक्स, उसको आपने पर्सनल डेटा दिया लेकिन आपको रियलाइज हुआ ये कंपनी आपसे ज़्यादा कॉस्ट ले रही है, फायदे नहीं दे रही, तो आपके पास हक होना चाहिए कि सारा डेटा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज मैनर में आपको मिले और आप चाहें तो वो डेटा कंपनी वाई को दे सकते हैं जो कि ज़्यादा बेटर सर्विसेज आपको दे रही है ना, वो डेटा पोर्टेबिलिटी इसमें नहीं है। बट मोर वरिसम, ज्यादा वरिसम, ज्यादा डरने वाली जो चीज इसमें है वो ये है, इंफॉर्मेशन कंसेंट। कंसेंट तभी कंप्लीट होती है, कंसेंट का मतलब सिर्फ हाँ नहीं होती कि यस आई एग्रीड कि मेरा डेटा चला जाए, कंसेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट और इन्फॉर्म कंसेंट में डिफरेंस होता है। इन्फॉर्म कंसेंट में क्या होते हैं, जब आप डिटेल में बताओ कि कैसा डेटा आपका लिया गया है, आप बताओ कि अगर वायलेशन होती तो ग्रीवेंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म क्या है सिंपल लैंग्वेज में। नाउ ये सारी इंफॉर्मेशन इस बार मने कर दी गई कि जरूरी नहीं है कि सिटीजन को देना, जो कि इसके पहले प्रिंसिपल को वायलेट करती है, कंसेंट पहले राइट को वायलेट करती है। देन सबसे जो एक जो एक्चुअली वो चीज़ एक्चुअली इनइक्वालिटी फील होती है वो यहाँ फील होती है कि डेटा प्रिंसिपल के ऊपर पेनल्टी है अगर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है 10,000 की, लेकिन अगर आपने डेटा प्रिंसिपल को वायलेट किया है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेके उसको हर्ट किया है तो कंपनसेशन डेटा प्रिंसिपल को नहीं जाता, विच इज़ द मोस्ट वरीसम आस्पेक्ट ऑफ दिस। सबसे ज़्यादा एक्चुअली डेंजरस या जो आस्पेक्ट के बारे में आप ज्यादा वरी कर सकते हो वो ये है, यू कैन इसे डर सकते हो आप कि अगर डेटा प्रिंसिपल गलत करेगा तो फाइन भरेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट किसी ने गलत किया तो उसको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा, जो कि पहले था, पिछले बिल में ये प्रोविजन था, और गवर्नमेंट इस पर कंपनसेशन भी ज्यादा ले रही है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चाइल्ड डिजिटल कंसेंट। इसमें बोला गया कि 18 साल से अगर कम का बच्चा है तो उसका जो गार्जियन है, पेरेंट है, वो डेटा प्रिंसिपल होंगे, इसका मतलब वो कंसेंट देंगे, कंसेंट उनसे ली जाएगी और वो किसी और को लायबल होल्ड करेंगे ना इस पूरे प्रोसेस में। पहली बात, इसमें दो गलती मेजर है। पहली बात, सभी बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको एक कैटेगरी में डाल दिया गया। एक टॉडलर जो कि पैदा ऐसे बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, और एक टीनेजर जिसकी 16 साल की में भी उम्र है, बॉडी थोड़ी बेटर डेवलप्ड है, इंटेलेक्ट भी बेटर डेवलप्ड है, उसके बीच में कोई डिफरेंट नहीं है। एक 4 साल के बच्चे को भी कंसेंट चाहिए, 16 साल के बच्चे को भी चाहिए, तो डिफरेंस नहीं रखा बच्चों के बीच में। साथ में जो एक्चुअली जो काफी सिविल सोसाइटी में लोगों ने ये बोला है कि ये बच्चों के ऑटोनोमस डेवलपमेंट को हर्ट कर सकता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए भी जरूरी होता है कि जो बच्चों की सोच है वो पेरेंट्स से अलग हो सकती है, उसके लिए एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है कि वो अलग अलग तरीके का कंटेंट देखें, मीडिया से एक्सपोज है, मे बी कोई कोई राइट विंग की वीडियोज़ देखता है तो कोई लेफ्ट विंग की वीडियोज़, कोई बीच में वीडियोज़ देखता है,
लेकिन जब डेटा फिड्यूशरी आपके पेरेंट हैं, वो कंसेंट देंगे, तो वो जो एक्सपोजर है बच्चों का, वो जो ऑटोनमस पर्सनालिटी डेवलप्ड होनी चाहिए, वो रुक जाती है. तो बच्चों की एक अपनी इंडिविजुअलिटी इसमें डेवलप नहीं होगी. तो दीज आर दी कंसर्न्स इन हियर. चलिए ठीक है, कंसर्न्स हैं, बट लाइक कहते ना कि कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर होता है. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. और उसी से हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस की हाईलाइट करते हैं कि पहली बात, हाँ ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है बिजनेस के लिए, बट स्टार्टअप भी चाहिए. एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नई जॉब क्रिएट करने की, बट हो नहीं पाती. क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब या फिर उसकी तरफ ड्रिवन है. स्टार्टअप के कल्चर को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है कि उस प्रोसेस को आसान किया जाए. तो गवर्नमेंट एक और हर्डल नहीं क्रिएट करना चाहती, एंड ऑलरेडी इट इज़ सेड कि ये जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट करती है. तो जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रॉस बॉर्डर डेटा, जिसकी वजह से पहली बात तो इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का बाकी कंट्री से इम्प्रूव होगा, साथ में हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होंगे, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि इंडिया और इनके साथ एफटीए बहुत टाइम से है परेशानी में था. बट हमारा ट्रेड क्यों इम्पैक्ट होता था? क्योंकि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं थे, जिसके बिना ये जो कंट्रीज हैं अपना डेटा इंडिया को नहीं भेजती थी. क्यों? क्योंकि इंडिया के पास डेटा सिक्योर स्टेटस नहीं था. डेटा सिक्योर स्टेटस उनको मिलता है जिनके पास डेटा प्रोटेक्शन लॉस है, जिससे कि ये कंट्री श्योर हो कि इनके पास डेटा जाएगा तो मिसयूज नहीं होगा. पर्सनल डेटा सेफ है क्योंकि इनके खुद के पास डेटा प्रोटेक्शन लॉस है. तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे इंप्रूव होंगे. नेक्स्ट, दिस इज फर्स्ट टाइम जब भी हम कोई बुक लिखते हैं या फिर कुछ डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमैनिटी एज अ होल इज प्रोग्रेसिंग इन गुड डायरेक्शन, और जब हम किसी थर्ड पर्सन या एनोनिमिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो ही यूज करते हैं. पहली बार इस लेजिस्लेशन में शी और हर यूज किया गया है. स्पेशली लॉस, जब लॉस डिफाइन होते हैं तो लिखा जाता है इन केस समवन वॉलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इक्वालिटी देन ही शुड बी पनिश्ड. तो ही यूज करते हैं. ही का मतलब ये नहीं कि ये हक सिर्फ मैन को है, नहीं, वुमेन को भी. बट क्योंकि लॉ को लिखने की आदत थोड़े मैन लिखते हैं तो थोड़ी सी ये वो पेट्रियार्की लैंग्वेज में दिखती थी. इस बार पेट्रियार्की को लैंग्वेज में तोड़ा गया. इस बार ही नहीं लिखा गया, शी लिखा गया. शी एंड हर, शी शुड बी पनिश्ड बट शी ऑल्सो हैज द राइट. फिर पहली बार राष्ट्र राइट टू पोस्टमार्टम प्राइवेसी कंसिडर किया है, जो कि पिछले लॉज में नहीं था. ये सिग्निफिकेंट है. तो जब आप ये लिखेंगे तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू ऑल्सो राइट दी सजेशन टू इसके क्या करना चाहिए. ब्लैक एंड व्हाइट स्टैंड ले लें क्या? राइट, आसान सोल्यूशन है, वही करते हैं. एक ब्लैक एंड व्हाइट स्टैंड लेते हैं. नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट स्टैंड नहीं लेंगे, बैलेंस लेंगे. बैलेंस, बैलेंस कैसे आएगा? यू विल टेक द बैलेंस नंबर वन ऑफ प्रैक्टिकलिटी, रीजनेबल एग्जाम्पशंस, रेमेडी एंड फ्यूचर प्रूफ. पहली बात प्रैक्टिकलिटी. आई एम श्योर आप डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस को सिटीजन के फेवर में बनाना चाहते हैं, बट जब आप सिटीजन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, अपना स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक्चुअली एक स्टार्टअप के पास इतनी लीगल पावर नहीं होती. एक बड़ी कंपनी के पास होती है कि वो सबको अवेयर कर सके इन सब चीज़ों के बारे में, जबकि स्टार्टअप के पास इतनी नहीं होती. जब वो बड़ी हो जाएगी तो दे कैन डील विद दिस. सो डेटा प्राइवेसी शुड नॉट कम इन बिटवीन बिजनेस, प्रमोटिंग द बिजनेस, क्योंकि इकोनॉमी ऑल्सो मैटर. बट ऑल्सो बिजनेस डज नॉट मीन कि डेटा प्राइवेसी एग्जिस्ट ना करे, एक बैलेंस ला सकते हैं. तो प्रैक्टिकलिटी शुड भी होनी चाहिए. प्रैक्टिकली ऐसे कि जो इसको जो फॉलो करना कम्बसम ना हो, बर्डनसम ना हो, या ज़्यादा हैवी ना हो जाए. दूसरा, रीजनेबल एग्जाम्पशन ज़रूरी है बिजनेस के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी. अब मुझे एक बात बताओ, कोई मर्डर केस रिजॉल्व हो सकता है किसी की थोड़ी सी पर्सनल डेटा लेके, स्पेशली उसी पर्सन का मे बी, तो शुडंट गवर्नमेंट डू दैट? कोई टेररिस्ट केस अगर हट अगर आप रिजॉल्व कर सकते हो कि चेन ऑफ रिएक्शन पर्सनल डेटा से हुई थी, तो गवर्नमेंट के पास वो हक होना चाहिए. इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं उस चीज़ के लिए.
साथ में फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए. डेट इसको ऐसे नहीं बनाना कि अभी के प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी, फ्यूचर में और प्रॉब्लम भी आएंगे. दो अमेंडमेंट हो सकता है, पर थोड़ा फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहिए कि फ्यूचर की प्रॉब्लम को भी देख सके अलॉन्ग विथ कंटेम्प्रेरी. साथ में रेमेडी, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर सभी फंडामेंटल राइट्स को कोई तीत देता है, दांत देता है टू बाइट, दैट इज आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 32 रेमेडी देता है. देन सेम ये लॉज इंप्लीमेंट नहीं होंगे अगर ग्रीवेंस रिडिसल मैकेनिज्म या रेमेडी नहीं है. कोई वॉलेट करे उसको पनिश किया जा सके, इस चीज का डर होगा या इस चीज की अश्योरेंस होगी तो ही ये लॉज फॉलो होंगे. चलिए, दिस वॉज डेटा प्रोटेक्शन बिल. आई होप ये आपको समझ में आया. अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज. दो न्यूज हो गई. UNCTAD ने डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात बोला. चलिए मैं इसको बता देती हूँ वापस. डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है? जब जिस कंट्री में डेटा प्रोड्यूस हुआ वो उसी टेरिटरी में रखा जाता है, उसकी ओनरशिप उस कंट्री के पास होती है, उसी कंट्री में प्रोसेस होता है, इसको डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं. इसका फायदा क्या होता है? स्टेट के पास सोवरेनिटी होती है, ईज ऑफ एक्सेस होता है, बिजनेस प्रमोट होते हैं उस कंट्री के. एंड इसीलिए UNCTAD ने कहा छोटे छोटे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कि डेटा लोकलाइजेशन जरूरी है. चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं. दैट इज इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव. ये इसलिए न्यूज में आया, इसकी सेकंड मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन DC में. इसका मतलब ये पुराना इनिशिएटिव नहीं है, ये एक्चुअली 2021 में ही सेटअप हुआ था और 2022 में इसकी सेकंड मीटिंग हुई थी. कहाँ पे? UNSC ने इसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, इसको होस्ट किया था. और ये एक्चुअली क्या है? ये 36 मेंबर ग्रुप है जिसके बनने के पीछे USA का हाथ है. और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू काउंटर रैनसमवेयर अटैक्स, उसकी अगेंस्ट रेजिलियंस डेवलप करना. दैट इज इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव. तो अब आपका पहला सवाल, रैनसमवेयर क्या है? इफ यू आस्क मी दिस, आपने मुझसे ये पूछा है तो सही सवाल पूछा है. ऑफ कोर्स रैनसमवेयर क्या होता है, पूछना चाहिए. रैनसमवेयर का संधि विच्छेद किया जाए तो दो शब्दों से बनता है, रैनसम और मेलवेयर. ठीक है, इसका संधि विच्छेद करोगे तो दो शब्दों से बनेगा, रैनसम और मेलवेयर. रैनसम क्या होता था कि किसी ने आपके किसी पर्सनल क्लोज पर्सन इंफॉर्मेशन या किसी और चीज को या तो हैक किया हो, हाईजैक किया हो, किडनैप किया हो और उसको वापस करने के बदले में आपसे पैसे मांग रहा हो या कुछ और रिटर्न में मांग रहा हो. सो देव समबडी हैज टेकन योर समथिंग विच इज वैल्यूएबल टू यू बट नॉट मनी, और उसके एक्सचेंज में कुछ और वैल्यूएबल आपसे मांगे, उसे रैनसम कहते हैं. क्या आपके मे बी आपके बच्चे को किडनैप किया, उसके बीच उसके रिटर्न में आपसे 5 लाख मांगे. डिपेंड कौन सी क्लास से आप बिलोंग करते हो, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास. दैट वॉज रैनसम. पहले रैनसम ऐसे फोन पे हुआ करते थे और यूजली बच्चों को किडनैप करते थे, बट अब नया तरीका निकाला गया है रैनसम का. अब चूंकि वॉर अगर डिजिटल फ्रंट पे होती है तो क्या ब्लैकमेलिंग डिजिटल फ्रंट पे नहीं हो सकती? सो दैट्स वेयर कम द मेलवेयर. मेलवेयर क्या होते हैं? मेलवेयर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसकी इंटेंट या जिसका रिजल्ट होता है दूसरे किसी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और जो आपका पूरा इंटरनेट है या सर्वर है उसको डैमेज करना, इसको कहते हैं मेलवेयर. डिजाइन विद द इंटेंट ऑफ डैमेजिंग अदर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और सर्वर. ये मल्टीपल तरीके के होते थे. जैसे एक होता है वायरस. वायरस क्या करते हैं? जैसे एक बायोलॉजिकल वायरस होता है, मल्टीप्लाई करते हैं और होस्ट कंप्यूटर उसके सॉफ्टवेयर को बर्बाद करते हैं. ट्रोजन भी होते हैं, वो भी और भी बुरे होते हैं. स्पाईवेयर होते हैं. मेलवेयर मल्टीपल तरीके के होते हैं. ये वायरस इज कैटेगरी ऑफ मेलवेयर. कैटेगरी ऑफ मेलवेयर है वायरस. ट्रोजन हो गए और आपके मेलवेयर हो सकते हैं स्पाईवेयर. आपके कंप्यूटर में गए, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन
किसी और को पहुंचा दी, किसी थर्ड पर्सन को, वो आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है, इंटर कंट्रीज में यूज होता है। एक और मेलवेयर है, दैट इज रैनसमवेयर। रैनसमवेयर इज व्हाट? रैनसमवेयर इज आल्सो अ काइंड ऑफ मेलवेयर जो कि रैनसम का काम करता है। इस केस में क्या करते हैं, कोई एक्स पर्सन सॉफ्टवेयर को भेजेगा होस्ट में, ये जो इसका सॉफ्टवेयर उसको लॉक कर देगा, उसको इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा और इनक्रिप्ट कर देगा। नाउ विद दिस इनक्रिप्शन आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते कंप्यूटर को या फिर उस सॉफ्टवेयर को, जो इंफॉर्मेशन उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। कभी कभी पूरा नेटवर्क हाईजैक कर लेते हैं, तो उन्होंने हाईजैक किया पूरे सिस्टम को, उसके बाद इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया। पहला स्टेप हाईजैक, दूसरा स्टेप इनक्रिप्ट, तीसरा इसको रिलीज करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को सिस्टम को मांगेंगे रैनसम, पैसा। ये किसकी मदद से किया? किसी सॉफ्टवेयर, किसी मेलवेयर की वजह से। तो दिस इज रैनसमवेयर डन विद द हेल्प ऑफ वायरस इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मनी रैनसम, इट इज रैनसमवेयर। सो क्या होते हैं रैनसमवेयर? हाईजैकर यूजिंग इंफॉर्मेशन टू होल्ड सिस्टम हॉस्टेज इन रिटर्न ऑफ मनी, यूजुअली मनी। इसमें एक चीज और, जब ये पैसा मांगते हैं ना, आप बोलोगे डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रेस करोगे, बोले नहीं, ये जब पैसा मांगते हैं इस केस में, जब पैसा जाता है रिटर्न, तो पैसा क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में जाता है ना। क्रिप्टो करेंसी की खास बात क्या है? एनोनिमिटी। तो क्रिप्टो करेंसी की खास बात है एनोनिमिटी। आप ट्रेस नहीं कर सकते कि किसने ये काम किया। और ही इस समय एक और मेजर कंसर्न हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, इवन गवर्नमेंट के लिए। फॉर दैट रीजन आप एग्जांपल देखें, 2016 में वानाक्राई अटैक हुआ था, इट वाज अ वेरी मेजर अटैक और काफी बड़ी बड़ी कंपनी भी इसका टारगेट हुई थी। पैट्रिया अटैक वॉज देयर। इनफैक्ट यूएस की एक रिपोर्ट कहती है कि इन 2020 अलोन, 2020 में ही कम से कम 2400 या 2500 के आसपास अटैक हुए थे, जिसमें कम से कम $29 मिलियन या $30 मिलियन का नुकसान हुआ था। सो अभी बस पैदा ही हुआ है कुछ टाइम पर, इतना बिजनेस इसने कर चुका है। एंड इट्स अ इलीगल बिजनेस। ये जो इलिसिट मनी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ऐसी चीजों में यूज होता है जो कि किसी भी स्टेट को थ्रेटन करता है। ऑफ कोर्स अनलेस यू आर अ नेबर। चलिए बात करते हैं, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यूएस ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई उसकी जो टर्शरी सेक्टर है वो तो डिपेंडेंट है आईटी कंपनीज पर, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो उन्होंने 56 स्ट्रॉन्ग नेशंस को बुलाया। यस, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। उन्होंने 36 स्ट्रॉन्ग नेशंस को बनाया और एक ऐसा इनिशिएटिव डेवलप किया जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है रैनसमवेयर को डिस्ट्रक्ट करना, उस प्रोसेस को डिस्ट्रप्ट करना। यहाँ पे क्या है, जो मेलवेयर, ये रैनसमवेयर है, इसके प्रोसेस को, पहली बात तो इसको, इसके अगेंस्ट रेजिलियंस डेवलप करना है कि अगर ये अटैक हो तो नुकसान ना हो। दूसरा, उस प्रोसेस को डिस्ट्रप्ट करना है, इसकी फाइनेंसिंग जो है उसको रोकना है, स्पेशली क्रिप्टो पे काम करना है, ठीक है। और इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, डिप्लोमेसी चाहिए, उस पे काम करना है, सारी कंट्रीज मिलके काम करें। क्यों? क्योंकि जो आपके साइबर क्राइम होते हैं, मेलवेयर इज ऑल्सो साइबर क्राइम, क्योंकि जो आपके साइबर क्राइम होते हैं ये कभी किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होते, इनकी ज्यूरिसडिक्शन मल्टीपल कंट्रीज में होती है। क्योंकि इंडिया में जो मेलवेयर अटैक हुआ, मे बी वो आयरलैंड से बैठ के हुआ था, मे बी सिंगापुर से बैठ के हुआ था, मे बी यूके से बैठ के हुआ था। नाउ इवन इफ इंडिया उसको कैच कर लेती है तो वो यूके से पहले अथॉरिटी मांगेगी, उसमें डिले हो जाएंगे, उस इंसान को आप ढूंढ नहीं पाओगे। बट अगर यूके पहले से ही आइडेंटिफाई करती है कि नहीं, इंडिया हमें भी मदद करेगा और इमीडिएट हेल्प करती है, तो उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। दैट्स अ रीजन, कोऑर्डिनेशन चाहिए जिससे कि ज्यूरिसडिक्शन डिस्प्यूट ना हो। तो इस चीज के लिए, कलेक्टिव रेजिलियंस को डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव ने चार
वर्किंग ग्रुप बनाए या चार फोर फोल्ड इसका डिवीजन किया कि इसको रोकने के लिए किन किन चीजों पे काम करना है, फोर फोल्ड डिवीजन। और हर एक इनिशिएटिव के लिए एक कंट्री को लीडरशिप दी गई। जैसे रेजिलियंस, ये इंडिया के अंदर है जिसमें ये लिथुनिया के साथ बैठ के काम करता है। इसके लिए इंडिया ने क्या क्या किया है, एक तो इंडिया ने मेलवेयर कोष बनाया। मेलवेयर कोष बेसिकली एक रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां पे सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है कि इन केस मेलवेयर अटैक होना है तो क्या करना चाहिए। लोग शेयर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं मेलवेयर के अटैक के अगेंस्ट क्या डिफेंस होना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन। मेलवेयर कोष एक ऐसा रिपोजिटरी है। गवर्नमेंट ने सिनर्जी एक्सरसाइज भी की सर्ट की हेल्प से, सिनर्जी एक्सरसाइज, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था, मेलवेयर को प्रिवेंट करना। तो इसमें भी मल्टीपल जो स्टेक होल्डर उनको बुलाया गया कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कोई सॉफ्टवेयर दे सकते हो तो वो भी शेयर कर लो, कोई टूल किट हो तो वो बता दो। साथ में अ नेटवर्क रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप है इसी इन्हीं सारी कंट्रीज का, उसको लीड इंडिया करिए विद द हेल्प ऑफ लिथुनिया। तो जो रेजिलियंस वाला पार्ट है वो इंडिया लीड कर रही है। दूसरा डिस्ट्रप्शन, इन मेलवेयर अटैक्स को रोकना, चाहे उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना हो, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की जो जरूरत होती है उसमें ऑस्ट्रेलिया काम कर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस पर्पस के लिए एक, आप देखेंगे कि एक ग्रुप भी है, इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है डिस्ट्रप्शंस के लिए, जो कि 2022 का आउटकम था ये। साथ में क्यों, क्योंकि क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उस पार्ट को डील करने का काम यूके को दिया गया जो कि अपनी टास्क फोर्स के साथ काम करता है इस पे। और जो डिप्लोमेसी कोऑर्डिनेशन चाहिए वो काम जर्मनी को दिया। चलिए ठीक है, अब इसके आउटकम क्या हुए रीसेंट मीटिंग के। रीसेंट मीटिंग में बोला गया जो सबसे ज्यादा जरूरत है, पहली बात तो हर कंट्री में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे इंडिया में भी मे बी आप सर्ट के साथ करो, किसी और के साथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप करो। दूसरा, प्राइवेट कॉपरेशन अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि जो रैनसमवेयर इनिशिएटिव है, पहली बात तो ये ग्लोबल लेवल पे होते हैं, दो तीन कंट्रीज में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो इसमें ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल पार्टिसिपेशन तो चाहिए। साथ में इसके जो विक्टिम्स होते हैं वो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर होते हैं, सो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्योंकि इनको ये सॉफ्टवेयर भी अच्छे डेवलप करना जानते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट इलिसिट फाइनेंसिंग को रोका जाए, क्योंकि पहला इलिसिट फाइनेंसिंग इसको प्रमोट करती है, इन ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाने में पैसा चाहिए। और दूसरा, इलिसिट फाइनेंसिंग जैसे डेवलप होती है यही टेरर फाइनेंसिंग वगैरह जैसी चीजों के लिए यूज होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए यूज होता है। और इस मीटिंग में इन्वेस्टिगेटर टूल किट भी रिलीज किए कि अगर आपकी कंट्री में या आपकी कंपनी में मेलवेयर अटैक होता है तो क्या स्टैंडर्ड SOP आप, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप फॉलो करोगे कि अगर अटैक होता है तो ये प्रोसीजर फॉलो करें, इन इन चीजों की मदद लें। इस तरीके की टूल किट निकाली गई है। अब सजेशंस क्या है इंडिया के लिए, गिवन द काइंड ऑफ क्राइम दिस इज, जो कि ग्लोबल लेवल पे होता है, रीजनल लोकल पार्टिसिपेशन चाहिए, साथ में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इंडिया शुड बी अवेयर कि इंडिया इज ऑल्सो एट रिसीविंग एंड ऑफ इंक्रीजिंग मेलवेयर, जो मेलवेयर अटैक्स हो रहे हैं अब हम उसके रिसीविंग एंड पर हैं काफी ज्यादा। सो दैट इज द रीजन इंडिया को पार्टिसिपेशन की जरूरत है, ग्लोबल कॉपरेशन। साथ में इसको डील करने के लिए जो लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज चाहिए वो इंडिया को एक कोलैबोरेटिव अप्रोच से ही मिल सकती है। सो इंडिया शुड पार्टिसिपेट एंड वर्क ऑन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। साथ में सिंस इंडिया बुदापेस्ट कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है जो कि साइबर क्राइम और उनसे डील करता है,
इंडिया को एटलीस्ट कोई और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना भी होगा, इसके लिए इंटरनेशनल काउंटर एंजाइम इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है. बुदापेस्ट कन्वेंशन क्या है, दिस इज योर होमवर्क. समडे आई विल डेफिनेटली ब्रिंग समथिंग ऑन इट, बट नॉट टुडे. चलिए बात करते हैं इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, लास्ट इन द न्यूज, इसके बाद और मैं आपको थकाऊंगी नहीं. इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, दिस इज फर्स्ट इन इंडिया, इसलिए जरूरी भी है. पहली बार इंडिया लाइफ डेटा जो है, लाइफ साइंस पर जो डेटा है उसके लिए एक अलग से डेटा सेंटर बना रहा है, स्पेशली जिनोम पे. तो पहली बात बात कर लेते हैं इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर क्या है. एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे बायोलॉजिकल डेटा रखा जाएगा. कौन सा डेटा? जिनोमिक डेटा. क्या होता है जिनोमिक डेटा? जिसमें आपकी जीन्स या डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए की कोड इंफॉर्मेशन होती है. क्या होता है जिनोम? जीन क्या होती है? जिनोम वो होता है जो कि बताता है कि आपकी ग्रोथ कैसी होगी, आप बड़े कैसे होगे, फाइनली आप दिखोगे कैसे. वो जो आपकी पूरी फिजिकल मॉर्फोलॉजी होती है वो आपके जिनोम में होती है. तो ये जो डेटा, ये एक जगह इकट्ठा होगा. और ये डेटा कहाँ से आएगा? जो भी पब्लिक फंडिंग रिसर्च होगी, जहाँ पे गवर्नमेंट की फंडिंग होगी जिनोम एक्सपेरिमेंट पे, वो सारा डेटा इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराना होगा. सरकार सीधा कह रही है, हमने खर्च किया तो वो डेटा डालो एक जगह कि बाकी लोग भी इस्तेमाल कर सकें. और वो जिनोम किस किस का है? वो सिर्फ ह्यूमन जिनोम नहीं है, ह्यूमन जिनोम भी है, प्लांट भी है, एनिमल भी और माइक्रोब भी है. एंड गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि अभी तो सिर्फ जिनोमिक डेटा है, इसके बाद प्रोटीन डेटा भी रखा जाएगा. और ये डेटा दो तरीके का होगा. पहले तो सारा पब्लिक फंडिंग डेटा एक जगह अवेलेबल है. और जरूरी क्यों है? अरे भाई, इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ही चीज पे दो लोग रिसर्च कर रहे हैं सेम, और सरकार दोनों को पैसा दे रही है. सरकार का पैसा तो दो बार खर्च हो रहा है ना. एक्स भी उसी पे रिसर्च कर रहा है, वाई भी, बस वाई का एक स्टेप और है, एक्स का एक स्टेप ज्यादा है. तो जहां तक रिसर्च मे बी एम स्टेप, जहां तक रिसर्च ने एक्स की, वो वाई का अवेलेबल करा दो कि वाई को यहां पे खर्चा ना करना पड़े. तो एटलीस्ट यहां पे एक्सपेंस तो कम होगा, गवर्नमेंट दो बार क्यों खर्चा करेगी, राइट? दैट इज द रीजन. कॉस्ट ऑफ रिसर्च, इससे क्या होगी? कॉस्ट ऑफ रिसर्च कम होगी. और भी डेटा हम यूज करेंगे से क्या है, पर अभी बात करते हैं. और इस डेटा की खास बात क्या है, ये डेटा टू कैटेगरीज में होगा, ओपन एंड रिस्ट्रिक्टेड. मे बी किसने रिसर्च किया, उसमें पैसा खर्च किया, अपना टाइम डाला, और मे बी द पर्सन वॉन्ट्स टू अर्न फ्रॉम इट. और मे बी सबके साथ खर्च नहीं करना चाहता, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहता. तो जो डेटा है वो दो तरीके का होगा, ओपन एंड रिस्ट्रिक्टेड. इन केस ऑफ ओपन, वो सभी के लिए ओपन है. जो रिस्ट्रिक्टेड है, उस केस में इंटरेस्टेड पर्सन को, ओनर को मेल या कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि आई नीड एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन. वो पर्सन कंसेंट देगा, एग्री करेगा, वो डेटा उसको अवेलेबल हो जाएगा. साथ में गवर्नमेंट हैज मेड श्योर कि डेटा, ये डेटा बर्बाद ना हो जाए. तो इस डेटा का गवर्नमेंट ने बैकअप भी दिया है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की जो डिजास्टर वाली साइट होती है उसमें आपको एक बैकअप डेटा कॉपी मिल जाएगी. इसको बना कौन रहा है? इसको फरीदाबाद का जो रीजनल सेंटर बायोटेक्नोलॉजी है वहां सेटअप किया है. तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसको स्पॉन्सर कर रही है. साथ में इसको टेक्निकल हेल्प नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC देती है, क्योंकि NIC इज गवर्नमेंट का IT गाय. सरकार का IT गाय कौन है? NIC. और ये रीजनल सेंटर फॉर बायोलॉजी फरीदाबाद में बनेगा. एक और चीज, ये जो डेटा है, इतना बड़ा डेटा, ये कोई नॉर्मल कंप्यूटर में तो स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि जिनोमिक डेटा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है. उसको प्रोसेस करने के लिए भी आपको वो सुपर कंप्यूटर चाहिए. सो गवर्नमेंट ने उस चीज का ध्यान रखा है, और इसीलिए इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए ब्रह्म सुपर कंप्यूटर्स यूज होंगे. तो ब्रह्म सुपर कंप्यूटर, जिनकी जो स्पीड है वो 4 पीटा फ्लॉप बाइट से के आसपास है, तो उस पर वो काम करेंगे.
अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस, लाइक आई टॉक्ड अबाउट. पहली बात क्यों सिग्निफिकेंस, एक तो कॉस्ट ऑफ रिसर्च कम होगी, डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च की जरूरत नहीं होगी. कॉस्ट ऑफ रिसर्च कम हुई, रिसर्च डुप्लीकेट नहीं होगा, काम डुप्लीकेट नहीं होगा. जब रिसर्च सस्ती होगी तो जीनोम से जो जीनोमिक जो डिजीजेस आप आइडेंटिफाई करते हो और उसके लिए जो मेडिसिन और वैक्सीन डेवलप करते हो वो आपकी कैसी हो जाएंगी, वो चीप हो जाएंगी. अ सोशल रूल, गवर्नमेंट के लिए भी सस्ती, लोगों के लिए भी. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज जूनोटिक डिजीजेस बढ़ रही हैं. जूनोटिक डिजीजेस वो होती हैं जिनका आदान प्रदान होता है मनुष्य और आपके बाकी प्राणियों में, एनिमल जानवर. तो वो डिजीज जो कि एनिमल से ह्यूमन बींग को और ह्यूमन बींग से एनिमल को ट्रांसफर हो सकती है, उनको जूनोटिक डिजीज कहते हैं. एंड इनके राइजिंग केसेस हैं अब, जैसे इबोला वगैरह वी टॉकिंग अबाउट, कि जूनोटिक डिजीजेस अब बढ़ रही हैं. तो उनके अगेंस्ट जल्दी एक्ट करने के लिए, उसके जीनोमिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए ये डेटा पब्लिक में होना अब जरूरी हो गया है. तो ये 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंस जूनोटिक डिजीज. फिफ्थ, दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया कोई लाइफ साइंस डेटा हम इस तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं. और वहीं से इसकी 6 सिग्निफिकेंस आती है कि अब तक हम इस तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंट थे, इनफैक्ट इवन अबाउट इंडियन ह्यूमन जीनोम. तो ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इंडिया के लिए. विद दिस हम वीकली न्यूज का जो सेगमेंट है वो कंप्लीट कर चुके हैं. कोई डाउट हो तो लिख दिया करो, एज मच एज पॉसिबल आई ट्राई टू रिप्लाई, मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ उनके. कोई और अगर बाय द वे कोई और टॉपिक आप चाहते हो मैं डिस्कस करूँ, डाल दिया करो. आई एक्चुअली मैं उन पे टॉपिक्स या सीरीज बना लेती हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.